प्रदेश के किसान नेता दिनेश गुर्जर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी और योगी का पुतला जलाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना और किसानों की मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री के पुत्र द्वारा जिस तरह से किसानों को वाहन से रौंदकर हत्या की गई, उससे साबित होता है कि मोदी और योगी सरकार किसान आंदोलन से डर चुकी है। जिसने ये किसान भाइयों की हत्या की है उसको सजा, फांसी की सजा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में गरीबों को बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, डीजल खाद बीज महंगा मिल रहा है, पेट्रोल महंगा मिल रहा है, इन सब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में समय पर बीज खाद मिले, बिजली मिले, सस्ते दामों मिले, काला कानून वापस हो, ये सारी MSP के लिए कानून बने, इन सब की लड़ाई लड़ने के लिए आज हमने नरेंद्र मोदी का और योगी का पुतला दहन किया है और विरोध प्रदर्शन किया है। माननीय कमलनाथ जी की मंशा है कि मध्य प्रदेश की किसान मजदूर नौजवान के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़े। हम किसान कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस लड़ाई को लड़ रहा है और ये लड़ाई हमारी जब तक जारी है जब तक मध्य प्रदेश के किसान नौजवानों मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा।